संभल हिंसा मामले में अब दो दर्जन से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं पुलिस की एफआईआर में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और लोकल एमएलए इकबाल मलिक के बेटे सोहेल मलिक को नामजद किया गया है। पुलिस का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लोगों को भड़काया, यही वजह है कि सर्वे के बाद संभल में हिंसा हुई। संभल हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन जारी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। गिरफ्तार हुए कई आरोपी खुद को बेकसूर बता रहे हैं। संबलपुर की हिंसा में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, आप उनकी तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो लोग हैं। आप लोग कहाँ थे उस समय? तो थाने में अभी तो थाने में जब हुआ तो आप लोग पत्थर चला रहे थे, उस समय पत्थर चला रहे थे। सर सब बेगुनाह, हम अपने घर से उठाए गए, अपने घर से उठाए गए। हम कल कसराय से हम अपने घर थे, हमें कोई नहीं पता लगा कब हुई। उन्होंने बताया कि आप लोग उस समय कहाँ थे, क्या कर रहे थे? जो लोग आए थे वो कौन थे, जो पत्थर चला रहे थे कौन लोग? जी दो बार पिटाई हुई जी, पथराव नहीं थे। हिंसा में चार मौतें हुई। मारे गए नईम के घर वालों का कहना है कि मौत पुलिस की गोली से ही हुई है। हमसे तो ये कहकर गया था दुकान खोलने जा रहा हूँ मैं, हाँ गाड़ी पे। फिर क्या हुआ, आपको क्या पता लगा? हमें ये पता चला ये गोली मार दी पुलिस ने। कितने बजे की बात है? घर वालों का दावा है कि नईम भीड़ का हिस्सा नहीं था। पुलिस की फायरिंग के दौरान ही नईम की मौत हुई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मौत अवैध हथियार से चली गोली से हुई है, न कि पुलिस की गोली से। वहीं हिंसा मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद विधायक इकबाल मलिक के बेटे सोहेल का क्या कहना है, सुनिए। क्या मुझे तो अभी आप लोगों के जरिए मालूम हुआ कि मेरा नाम भी है इसके अंदर, और बड़ी हैरानी की बात है कि जो लोग जो है ना सहयोग करते हैं, और जो लोग जो है शहर के अंदर अमन अमान की बात करते हैं, और किसी के जो मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, तो क्यों ऐसा नाम आया? सैटरडे नाइट में 11 बजे हमारे पास टेलीफोन आता है, आप कल सुबह को फिर इसकी वो होगी, सर्वे होगा। अब सुबह मैंने मतलब लखनऊ में था, मैंने इसको सुहेल को फोन किया कि जफर उनसे मशहूद अली फारूकी को जाके बताइए कि भाई खामोशी से शांतिपूर्वक तरीके से करा देना, पापा है नहीं यहाँ पे, कोई बात ऐसी ना हो जाए जो मामला हो जाए, सबको समझा के रखें लोगों को। विधायक और उनके बेटे की माने तो भड़काने और उकसाने के आरोप गलत हैं। अगर पुलिस के पास कोई सबूत है तो पेश करे। यही नहीं, हिंसा के मामले में जामा मस्जिद के सदर जफर अली को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। वो कल तो उन्होंने पूरे अपील कर रहा था, हमारा साथ में था, आज अचानक उनके स्टेटमेंट से अलग हो रही है, इसलिए उनको बुला के बातचीत कर रहा है। अब क्यों ऐसे स्टेटमेंट यहाँ पे लोग कल तक आप अच्छी था, आज के क्यों ऐसे स्टेटमेंट विरोधाभासा, आपका स्टेटमेंट विरोधाभासा क्यों आ रही है, उसके बारे में पूछताछ करने के लिए लिया है। उनसे अपील भी करवाता हम लोग, जो भी हुआ था उसका सच्चाई बोलने के लिए उनसे अपील करने के लिए बुलाया हम लोग। दरअसल जफर अली ने पहले दावा किया था कि सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन उनकी पूरी बात सुन रहा है, लेकिन हिंसा के बाद जफर अली अब पुलिस प्रशासन को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। ये डीएम महोदय ने अनुमति दी है, कोर्ट की कोई अनुमति नहीं थी, कोर्ट ने एक बार दिया था, उसके बाद जो हिंदू पक्ष है उन्होंने ये मांग रखी कि सर्वे चूके रात थी, बहुत पब्लिक थी, हम पूरा नहीं कर पाए हैं, ये डीएम को दिया उन्होंने दरख्वास्त, और इस पर हमें फिर से सर्वे करने की इजाजत दी जाए, तो ये कोर्ट का आदेश नहीं था बल्कि डीएम साहब का आदेश था कि सर्वे दूसरा के कर लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ सर्वे के दौरान भड़की हिंसा को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि सर्वे जल्दबाजी में किया गया, लेकिन 19 नवंबर को खुद जफर अली ने बताया था कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद फौरन सर्वे क्यों हुआ था। कोर्ट ने जो सर्वे का आदेश दिया था वो विद इन 7 डेज के लिए दिया था, लेकिन चूंकि वकील कमिश्नर जो है उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि उनकी बेटी की लगन आ रही है, इस वजह से वो अभी आ गए, इसके पीछे और कोई बात नहीं। कितने लोग मौजूद रहे थे मतलब कोर्ट में? तो उनके एक वादी थे और एक कोर्ट कमिश्नर थे, डीएम साहब थे, एसडीएम साहब,
और एसपी साहब थे और हम सब लोग कमेटी के हम चार पांच लोग थे। क्या रहा सर्वे में, दो घंटे का सर्वे? सर्वे में उन्होंने पूरी जामा मस्जिद के फोटोग्राफी की है, यही सर्वे था उनका। आज तक ब्यूरो। जामा मस्जिद के सदर जफर अली के दावे और मुस्लिम पक्ष के आरोपों को लेकर संभल के जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाधिकारी ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया कि सर्वे की जानकारी मुस्लिम पक्ष को नहीं दी गई थी और वजू खाने का पानी निकालने की वजह से हिंसा भड़की। वहां एक साथ 200 लोग मस्जिद के भीतर उपस्थित हो गए, सायंकाल का समय था एवं इतने ही व्यक्ति की उपस्थिति में सर्वे का कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सका। वहां उपस्थित जनप्रतिनिधि एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा बार बार सर्वे की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा था एवं धमकी दी जा रही थी, अतः भविष्य में पुनः सर्वे की कार्रवाई संपन्न की जाएगी जिसकी सूचना पृथक से सभी पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी जिससे माननीय न्यायालय का आदेश का अनुपालन हो सके। ये मेरी प्रति थी और एक कप्तान साहब को इन्होंने प्रति दी थी। इन्होंने कहा कि वजू टैंक का पानी खाली कराया गया और वजू टैंक को नापना चाह रहे थे, जबकि वजू टैंक की केवल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होनी थी, इसलिए वजू टैंक का पानी खाली कराया गया। नेक्स्ट और वैसे भी वजू टैंक का पानी अभी आपने बताया जफर साहब ने कि हर शुक्रवार को वो खाली होता है। आगे जफर साहब ने बोला कि लोगों में यह भ्रम फैला कि मस्जिद में खुदाई हो रही है, जबकि किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं था। आप सोच के देखिए, खुदाई में मिट्टी निकलती है, खुदाई में पानी नहीं निकलता। और जो नाली वो बता रहे थे जिसमें लोगों ने देखा, उस नाली में पानी रेगुलर बहता है। ऐसा नहीं है कि जो नीचे की नाली है उसमें पानी एक ही दिन बहा था जिस दिन वजू के टैंक का पानी निकला था, वो निरंतर बहता रहता। आशक की टीम संभल हिंसा की पड़ताल कर रही है। अब आपको दिखाते हैं संभल में ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। संभल में हिंसा क्यों भड़की? संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के वक्त हकीकत में क्या हुआ? कैसे पत्थर चले? कैसे पुलिस ने एक्शन लिया? आज तक की टीम पूरी पड़ताल कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं संभल में शाही जामा मस्जिद के बैक गेट के पास। यहां पर आप देखिए पुलिस के तमाम अधिकारी, मुरादाबाद के DIG, कई जिलों की पुलिस यहां पर आपको नजर आएगी। आप ये देखिए पूरे इलाके में हर जगह अगर कुछ नजर आएगी तो पुलिस, पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंटरनेट बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है। आप देखिए जो रात भर ड्यूटी पर लोग यहां पर मौजूद थे, DIG मुरादाबाद यहां पर पहुंचे हुए हैं और वो पूरी रात जिन पुलिस कर्मियों ने ड्यूटी की उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके हालचाल ले रहे हैं और इस पूरे इलाके में एक तरीके से गश्त लेकर देख रहे हैं। फिलहाल संभल में हिंसा के बाद शांति है, लेकिन जगह जगह पर हिंसा के निशान साफ दिखाई देते हैं। हमारी टीम ग्राउंड से लेकर आसपास के इलाकों में भी गई और ये मस्जिद का सामने का हिस्सा है, हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अभी तो आपको यहाँ पर सिर्फ पुलिस के लोग ही नजर आएंगे, क्योंकि जब एक बार यहाँ पर हंगामा हुआ तो उसके बाद पुलिस की संख्या यहाँ पर बढ़ गई। आसपास के CCTV कैमरों की जांच की जा रही है, कुछ जो CCTV कैमरे थे उनको तोड़ा भी गया है, तो सारी चीजों की जांच अभी जारी है और देखना ये होगा कि क्या पुलिस ये पता लगा सक पाएगी कि जो कुछ भी हुआ पहले से इसकी तैयारी की गई थी या कि भीड़ अचानक से भड़क गई और इस तरीके की घटना हुई। और अब आपको संभल के दीपासराय इलाके की तस्वीरें दिखाते हैं। पुलिस का आरोप है कि पत्थरबाज इस इलाके की तरफ भागे। आज तक की टीम वहां पहुंची तो सुभान नाम के एक शख्स ने बताया कि कैसे उनकी पत्नी जब घर में मौजूद थी तो पत्थरबाजों को तलाशते हुए पुलिस उनके घर पहुंची और पत्नी को भी पुलिस पूछताछ के लिए साथ लेकर गई है। आइए दिखाते हैं कि सुभान क्या कह रहे हैं। ये दरवाजा कैसे टूटा? ये गलतफहमी में दरवाजा टूटा। उनके पास फोटोग्राफी भी है, सब कुछ है और जगह से पत्थर फेंके। हमारे घर से पत्थर कोई नहीं फेंका। और हाँ, घर में कोई घुसा था? घर में पुलिस सब घुसी है। पुलिस यहीं से घुसी थी? हाँ, ये दरवाजा ये बाद में खोला, उस दरवाजे से खुली थी वो तोड़ के अंदर। आपके घर में उस वक्त कौन कौन था सुभान? हमारे घर पे सिर्फ हमारी बीवी थी और एक हमारा नाबालिग बच्चा था। एक बच्चा, छोटा बच्चा था। वो लोग कहाँ हैं? वो बीवी को तो हमारी पुलिस ले गई अभी। अच्छा, जो दो महिलाओं को डिटेन करने की बात, उनमें आपकी पत्नी भी? एक हाँ, हमारी पत्नी है फरहाना। अच्छा, और ये दरवाजा किसने तोड़ा? सब ये पुलिस ने तोड़ा है, क्योंकि पुलिस आई थी उस टाइम। ये सब पुलिस का ही है, ये सब कुछ।
ये कमरे के अंदर आते हैं हम, ये देखिए कमरे के अंदर की क्या तस्वीर है, ये हम आपको दिखाते हैं। फ्रिज ये सब वही जबी क्या, कितने बजे की बात है ये? लगभग 1 और 2 के बीच की बात। कितनी पुलिस रही है? मैं तो था ही ना, काफी पुलिस बता रहा है। सीसीटीवी वगैरह है? सीसीटीवी थे, वो डीपीआर उसकी ले गए हैं और वो डीपीआर में भी चेक कर लें अगर हमारे घर के अंदर, क्योंकि हमारे दरवाजे की तरफ कैमरा लगा है, हमारे घर में अगर कोई बड़ा है, हमारे घर के अंदर कोई भी आया है तो उसे चेक कर लें वो। और फिर पुलिस जब चलती है तो वीडियो बना के चलती है, हमारे घर से अगर कुछ भी हो तो हम दोषी हैं, हम सजा पाने के लिए। संभल हिंसा का सच सामने आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंसा और दंगा वो चीज है जिसमें न सिर्फ जिंदगियां जाती हैं, बल्कि जान माल के नुकसान से लेकर नफरत भी पनपती है। हिमांशु मिश्रा, संभल आज तक।